इसमें आज हम शब्द निर्माण पढ़ेंगे और इस शब्द निर्माण के अंतर्गत यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम थोड़ा इसको संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि शब्द वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षरों के जो सार्थक समूह हैं उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। सबसे पहले वर्ण आता है, वर्ण के बाद में यहाँ पर शब्द। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि शब्द निर्माण तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक सार्थक शब्द के पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़कर, दूसरा सार्थक शब्द के पश्चात यानी बाद में शब्दांश प्रत्यय जोड़कर, और दो सार्थक, तीसरा कहते हैं दो सार्थक वर्णों या शब्दों के मेल से संधि एवं समास द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार से ये शब्द निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग द्वारा किस प्रकार से, उप जमा सर्ग शब्दों के योग से निर्मित। उप का अर्थ समीप होता है, जिसे निकट कहा जाता है, निकट कहना या पास में कहना यहाँ पर, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग अर्थात सृष्टि करना, तो यहाँ सर्ग सृष्टि करना और उप का नज़दीक, निकट में, पास में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग शब्दों के योग से निर्मित। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है। तो इस तरह उपसर्ग का अर्थ हुआ शुरू यानी प्रारंभ में लगकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्दों की सृष्टि करना, अर्थात नए शब्दों का निर्माण करना। तो इसमें इस प्रकार उपसर्ग किसी भी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जिसमें विकार नहीं होता है, अविकारी अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे परा उपसर्ग, जमा जय मूल शब्द, प्राजय। प्राजय में सबसे पहले परा उपसर्ग जय जो है वो मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग परा उपसर्ग लगा हुआ है तो प्राजय बनता है। तो ये नया शब्द निर्माण हुआ। इसी प्रकार से सुगम शब्द है, सुगम में गम मूल शब्द है और सु उपसर्ग लगा हुआ है तो ये सुगम बनता है। तो इसी प्रकार से उपसर्ग द्वारा ये इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय द्वारा यदि हम देखते हैं तो मूल शब्द के पश्चात शब्दांश जोड़ करके, जिस तरह से उपसर्ग में हम ने मूल शब्द के पहले में पहले हमने उपसर्ग का योग किया, उपसर्ग को जोड़ा, उसी ही प्रकार से प्रत्यय में मूल शब्द के पश्चात शब्दांश जोड़ करके यहाँ पर प्रत्यय बनता है। प्रत्यय शब्द नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे बलवान शब्द हमारे सामने है, मानते हैं इसमें मूल शब्द जो है बल है, बल मूल शब्द, और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है वान, वान प्रत्यय जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर के नया शब्द निर्माण होता है, उसे कहते हैं बलवान। तो बलवान इस प्रकार से यहाँ पर बनता है और हम मूल शब्द और प्रत्यय जोड़ करके शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं कलाकार। कलाकार के
साहब से यदि हम इसमें देखें तो कलाकार, कलाकार में मूल शब्द हुआ कला, प्रत्यय हुआ कार, तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ कलाकार। तो ये हम आपको जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं कि शब्द निर्माण तीन प्रकार से किया जाता है, उनमें एक उपसर्ग शब्दांश जोड़कर, दूसरा प्रत्यय, प्रत्यय जोड़कर मूल शब्द में यदि उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द निर्माण होता है, निर्माण शब्दों का निर्माण, और अन्य एक प्रत्यय जोड़ करके। अब हम देखते हैं समाज एवं संधि, समास एवं संधि द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का, नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार हैं यानी बदलाव को संधि कहते हैं। यदि दो वर्णों का मेल कर दिया जाए जो विकार पैदा होता है वही संधि होती है। तो इस प्रकार से यदि हमारे सामने भोजन जमा आलय, इसमें ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के बीच में ए जमा आ जो बीच में वर्ण आए हुए हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जो हैं, उन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर आ बनता है, ए जमा आ मिलकर के आ बनता है। इसलिए ये संधि मानी जाती है और इस संधि के अंतर्गत यहाँ पर भोजनालय शब्द निर्माण होता है। तो ये नया शब्द निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम शब्दों का, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे यद्यपि, इसमें एक यदि, यदि और जमा अपि, यदि, यदि का ई छोटी ई और अपि में ए दोनों को जोड़कर य बनता है और इस प्रकार से यहाँ पर यद्यपि शब्द का नया निर्माण किया जाता है। तो जबकि दो या अधिक, जबकि दो या अधिक पदों के योग से एक पद निर्मित होने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार ये हमारा विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार, और इसका समास क्या बनता है, यथाशक्ति। यथाशक्ति ये नया शब्द निर्माण हुआ, और आगे देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। एक शब्द निर्माण के अंतर्गत सार्थक शब्द के पूर्व में शब्दांश उपसर्ग जोड़ करके, दूसरा सार्थक शब्द के पश्चात यानी बाद में शब्दांश प्रत्यय जोड़ करके, और तीसरा दो सार्थक वर्णों या शब्दों के मेल से संधि एवं समास के द्वारा नए शब्दों के निर्माण से। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं कि उपसर्ग, उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और जो कहीं से दूसरे देशों से आए हुए उपसर्ग होते हैं उन्हें विदेशज या आगत उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीन प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग कहे जाते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशज या आगत उपसर्ग। तो संस्कृत हिंदी उपसर्ग के विषय में हम देखते हैं कि जैसे अति, जिसको हम कहते हैं अर्थ के आधार पर बहुत अधिक, इसमें अतिरिक्त, अति कोमल, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, ये सभी में नए शब्दों का निर्माण हुआ और इसमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे अधि, ऊंचे या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिकरण, अधिकृत,
अधिशुर अधिपति, इसी प्रकार से अन निषेध, अभाव, अनंत अनास्था अनिच्छा, अनुपस्थित अनु पीछे, इसी ही प्रकार से यहाँ पर ये सभी शब्द आपके सामने हैं और इसमें आप इनको अच्छी तरह से सभी शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देख लेंगे, इनको अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना। और यदि हम आगे देखते हैं विदेशज, इसमें हमने आपको संस्कृत और हिंदी उपसर्ग सभी आ गए और अन्य अब देखते हैं विदेशज उर्दू या अरबी फारसी जिनको उपसर्ग कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर विदेशज उर्दू व अरबी फारसी उपसर्ग, इसमें जैसे एन ठीक अर्थात पूरा, एन वक्त एन मौका, कम थोड़ा हीन, कम समझ कमजोर, कम उम्र कम अक्ल कम खर्च, खुश अच्छा, खुशबू खुश दिल, खुशखबरी खुश नसीब, खुश किस्मत। इसी प्रकार से गैर भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी आदि, ना नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग, ऐसी ही बद बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बददुआ, बे अभाव, बेवजह, बेअदब, बेअक्ल, बेदाग, ला बिना, लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। इसी प्रकार से हम उपसर्ग है और यह इसका अर्थ बनता है साथ। तो जैसे हम सफ़र, हम जोली, हम दम, हम उम्र। इसी प्रकार से आगे हर का अर्थ है, हर उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर प्रत्येक दिया गया है, जैसे हर माह, हर साल, हर दिन, हर दम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग, ये जो तीन उपसर्ग आपको बताए गए हैं, इन तीन उपसर्गों में संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशज या आगत उपसर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार से होता है। एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याकरण शब्द हमारे सामने है, कोई भी मूल शब्द करण मान लीजिए, करण, इसमें उपसर्ग आ, उपसर्ग वी, वी जमा आ जमा करण, इसमें व्याकरण बनता है। और इसी ही प्रकार से ए जमा प्रति जमा अक्ष, ए प्रत्यक्ष, जैसे सम जमा आ जमा लोचना, इसमें बनता है समालोचना, परि जमा आ जमा वरण पर्यावरण, प्रति जमा उप जमा कार प्रत्युपकार, सु जमा सम जमा गठित सुसंगठित, ए जमा सु जमा रक्षित असुरक्षित, निर जमा अभी जमा मानी निर्भिमानी, सम जमा आ जमा चार समाचार, प्रति जमा आ जमा लोचना प्रत्यालोचना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द जो हुए, ये शब्द एक दो उपसर्गों के बीच आते हैं, जिसमें जिन शब्दों में दो शब्द उपसर्ग लगा करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मेल से
दो शब्दों के मेल से बनता है, प्रति जमा, प्रति जमा जमा आय। यहाँ प्रति का अर्थ है साथ में, साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। तो इस प्रकार से साथ साथ चलने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर साथ साथ चलने वाला, इस तरह प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने यानी लगने वाला शब्दांश। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विशेष रूप से इस बात को देखते हैं कि अब इस तरह से प्रत्यय के विषय में हमने आपको ये बताया कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति जमा अय। यहाँ प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। इस तरह प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने यानी लगने वाला शब्दांश। एक सरल रूप में यदि हम जाने, सीधे शब्दों में हम पहचाने कि जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जो शब्दांश लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से वह शब्दांश जोड़ा जाता है और वह एक नया शब्द निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं प्रत्यय उपसर्गों के समान अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे अच्छा, अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई शब्द बनता है। इस प्रकार मूल रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। यदि हम मूल रूप से देखें तो प्रत्यय दो प्रकार के बताए जाते हैं, त्वित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ, मूल धातु के साथ में जुड़कर के संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कृत जमातव्य कर्तव्य, देन जमादार देनदार, पी जमा आस प्यास, सज जमा आवत सजावत, पठ जमा अनीय पठनीय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के विषय में देखते हैं। तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़ते हैं, जैसे मैल जमा आ मैला, गर्व जमा इला गर्वीला, सुनार जमा इन सुनारिन, गरम जमा आहट गर्माहट, पीछे जमा ला पिछला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा हुआ तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो शब्द निर्माण किए जाते हैं, नए शब्दों का निर्माण होता है वह तद्धित प्रत्यय के द्वारा। इस प्रकार से मैला गर्वीला सुनारिन गर्माहट पिछला। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्द देखते हैं। अब प्रत्यय, प्रत्यय में अक्कड़ आई आकू आउ आन आव आवत आहत ई ऊ, ये हमारे प्रत्यय हुए। अब इनसे अलग शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, वह अक्कड़ पियक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़, आई पिटाई चढ़ाई लिखाई बुराई, आकू लड़ाकू लड़ाकू उड़ाकू पढ़ाकू, आओ चलाओ बिकाओ कमाओ, आन उड़ान कटान मिलान, आव चढ़ाव उतराव बचाओ बहाव खिंचाओ, आबट आवट सजावट मिलावट लिखावट बनावट थकावट, आहट खड़खड़ाहट घबराहट मुस्कराहट सनसनाहट चिल्लाहट,
ई धमकी बुरा बुहारी हंसी खिड़की ऊ झाड़ू उतारू खाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे प्रत्यय नए शब्दों का इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण किया गया है। अब और भी बहुतेरे शब्द हैं अर्थात यहाँ पर प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के आधार पर हम हर प्रकार से आपको इसी ही प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं और आप इनको अच्छी तरह से आप देखेंगे और इस प्रकार से इनका यहाँ पर आप इनका अच्छी तरह पढ़ करके इनको आप इन प्रत्ययों को भी देख लेंगे और अन्य इसके बाद फिर आगे और बताएंगे। आज केवल इतना है।